22 दिसंबर 1972 ये वो दिन था जब भिवानी को हिसार जिले से अलग कर जिला घोषित किया गया, जिसे आज 50 साल पूरे हो गए हैं। भिवानी जिला ने अनेकों क्षेत्र में उपलब्धि पाकर एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान। किसी भी क्षेत्र में भिवानी जिला आज कम नहीं है। भिवानी जिले के 50 साल स्वर्णिम रहे हैं। आज भिवानी जिले को छोटी काशी और मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में आज भिवानी नगर व्यापार मंडल द्वारा भिवानी जिला का 50वां जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत भी पहुंचे और बधाई दी। नहीं, आज ये भिवानी को अस्तित्व में आए 50 साल पूरे हो चुके हैं जिले को। वैसे तो भिवानी का इतिहास बहुत पुराना रहा है और मैं आशा करता हूं कि जिस भावनात्मक जुड़ाव के साथ में आज ये भिवानी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि सारे नागरिक हैं भिवानी के विकास में अपना अपना योगदान देंगे। आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक नशे से जूझना है। नशे की वजह से ही जो समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आज नशा मुक्ति के बारे में भी एक शपथ ली गई है। भिवानी शहर वैसे नशा से इतना ग्रसित नहीं है जितने अलग राज्य हैं या अलग ज़िले हैं, परंतु फिर भी हमें लगातार इस बात पर चर्चा करती रहनी चाहिए और ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि भिवानी शहर में नशे का बिल्कुल भी आगमन ना हो। साथ ही उन्होंने मौके पर लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। इतिहास पर जाएं तो आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि ये नगर राजपूत राजा नीम सिंह ने अपनी रानी भानी के नाम पर बसाया था। कालांतर में इसका नाम स्थानीय बोली के अनुरूप बिगड़कर भ्याणी और बाद में भिवानी पड़ गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहां हिंदू धर्म की देवी माता भवानी ने अपने चरण रखे थे और उससे इसका नाम बदलकर भिवानी पड़ा। आज भिवानी का स्थापना दिवस मनाया गया है। भिवानी को जिला बने हुए 50 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष में एक 50 किलो का केक काटा गया है। साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में अगला साल मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि भिवानी का जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए और जो कुरीतियाँ हैं वे उनसे उभार आए। जैसे नशा मुक्ति के बारे में आज एक शपथ दिलाई गई है, जो भिवानी को जो क्राइम है, क्राइम का सीधा संबंध नशा मुक्ति से होता है। अब बच्चे जो युवा है नशा करते हैं और उसको पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं, तो क्राइम को दूर करने के लिए, क्राइम का साफ करने के लिए नशा मुक्ति बहुत जरूरी है, जिसकी हमने शपथ दिलाई गई है। मुगल काल में ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था और आज भी हरियाणा और राजस्थान के बीच औद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देता है। व्यापार मंडल के प्रधान ने कहा कि आज भिवानी के 50 वर्ष पूरे होने पर केक काटा है। उन्होंने कहा कि भिवानी ने देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें भिवानी और भिवानी की जनता पर बड़ा गर्व है। भिवानी पहले काशी के छोटी काशी के नाम से इसलिए जाना जाता था, भिवानी के अंदर इतने मंदिर थे चारों तरफ मंदिरों से, आज भी फैला हुआ है, पहले भी मंदिर थे, लेकिन मंदिरों के साथ साथ आज देश में विकास की ज़रूरत है। उस विकास में मील के पत्थर साबित हुए हैं ये भिवानी जिले के अंदर स्कूल साबित हुए हैं। पहले कॉल 2 या 3 स्कूल होते थे, आज भिवानी का इतिहास आगे बढ़ा और यहाँ वेस्ट मॉडल स्कूल जैसे और परम आदरणीय बनारसीदास गुप्ता जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने आदर्श महिला मेरे पिताजी सेठ भगीरथ मल जी जैसे ने शिक्षा का आह्वान किया, उस शिक्षा में आज हजारों बच्चे नए इतिहास में 50 साल में जुड़े हैं। एक आज केवल ही इस एजुकेशन ही नहीं, हेल्थ में भी आज भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनता जा रहा है, तो ये भी एक भिवानी का अगला स्टेप है। CBLU भी बनी, ये भी भिवानी के इतिहास में एक नया अध्याय है और इसलिए भिवानी का इतिहास लंबा है और लंबा रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा की बात की जाए या फिर दानवीरों की बात कही जाए तो भिवानी कभी पीछे नहीं रहता। इसी प्रकार खेल व समाज सेवा के क्षेत्र में भिवानी के लोग पीछे नहीं हैं। आज के युवा को नशे से दूर रहना चाहिए। कोरोना काल में 2 लहरों के लिए नियम करते थे, वही नियम आज हर व्यक्ति अपनाए। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।